और इसलिए हमने इसकी चर्चा शुरू की। अरे भाई क्यों कागज लेकर यूं ही चलते हो, आओ लोक संवाद में बैठो, बातचीत करो। हाँ अगर किसी के इशारे पर यूं ही कुछ करना है दिखावे के लिए तो मुझको कुछ नहीं करना, लोकतंत्र है, जो मन में आए करिए। लेकिन सचमुच जो कागज पर लिखते हो उस पर यकीन है तो आओ सामने बैठो, बातचीत करो। हम तो चाहते ही शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कितना काम हुआ, क्या पता है कितनी उम्र है। बिहार में 12.5% बच्चे जब हमने कार्यभार संभाला था और 2006 के फरवरी में सर्वेक्षण कराया था और उस समय जो रिपोर्ट आई थी फरवरी महीने में तो पता चला कि 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते। इसलिए हम लोगों ने कितनी बड़ी संख्या में स्कूलों का निर्माण, स्कूल में क्लासरूम का निर्माण, ये सब कम कितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों का नियोजन और जो प्राथमिक स्कूलों में नियोजन किया उसमें 50% महिलाओं का आरक्षण, ये सब दे करके और आज 1% से भी कम बच्चे बाहर। मध्य विद्यालय में लड़कियां कम जाती थी, हाई स्कूल की बात तो छोड़ दीजिए, गरीबी के कारण माँ बाप अपने बेटे अपने बेटियों को स्कूल नहीं भेज पाते, इसलिए पोशाक योजना की शुरुआत की, लड़कियां स्कूल जाने लगी और लगा हमको कि सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़ने से क्या होगा, कम से कम मैट्रिक तो पढ़े, तो इसलिए 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की। और उस साइकिल योजना का क्या आज प्रभाव है, दो हो गया है। तो हमने देखा इस काम के लिए क्या क्या करना हम सोच रहे थे, तो मेरे सामने प्रस्तुतिकरण हो रहा था तो हमने देखा कि देश भर में जो मैट्रिक पास लड़कियां जिनकी शादी होती है तो मैट्रिक पास अगर लड़की है तो प्रजनन दर देश में भी 2 था और बिहार में भी मैट्रिक पास अगर लड़की है तो 2। और उस समय हमने देखा कि अगर 12वीं कक्षा तक लड़की पढ़ी हुई है तो जिस समय हमारे सामने प्रस्तुतिकरण हुआ था उस समय देश में प्रजनन दर था औसत 1.7 और बिहार में 12वीं कक्षा तक पढ़ी हुई लड़कियां हैं तो प्रजनन दर हमारे यहाँ 1.6 था। हमने कहा ये तो सबसे बड़ी चीज, तो उसी समय हमने तय किया कि हर एक ग्राम पंचायत में 12वीं